मोदी सरकार की तानाशाही के विरोध में कांग्रेस विचार जनजागृति अभियान की ओर से महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश शाह की अध्यक्षता में वैरायटी चौक में आंदोलन किया गया। इस मौके पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। पेश है हमारे संवाददाता संजय मीरेन की ग्राउंड रिपोर्ट। महंगाई की मार, नागरिक परेशान में, आइए देखते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में कंपनी सरकार के खिलाफ लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं थी। पूरे देशवासी अंग्रेजों के गुलाम थे। उस वक्त सारे ऊंचे पदों पर अंग्रेज अफसर आसीन थे। आज आरएसएस के लोग हैं जो अंग्रेजों की तरह लोकतंत्र की हत्या करने पर तुले हैं। पहले अंग्रेज लगान वसूलते थे, आज मोदी गब्बर सिंह टैक्स। युवाओं से रोजगार और लोगों से बोलने की आज़ादी छीन ली गई है। महंगाई आसमान छू रही है और सरकार की तानाशाही सातवें आसमान पर है। सरकार के खिलाफ बोलने वाले पर ईडी लगा दी जाती है। आज का ये जो आंदोलन है कांग्रेस विचार जन जागृति अभियान की ओर से, जो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी, भारतीय कांग्रेस कमेटी, नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी का एक अभियान है, उसमें हमारा जन जागृति अभियान के मार्फत आज जो यहाँ पर हम लोगों ने जो आंदोलन शुरू किया है, और देश की बढ़ती महंगाई पे अनेक मुद्दों पर ये हमारा ये आंदोलन है। और आज जो महंगाई के साथ साथ जो राशन की कालाबाजारी हो रही है, जो सरकार जो राशन दे रही है और ये राशन जो गरीबों को मिल रहा है, और जो कोई दूसरी पार्टी कार्य को आगे बढ़ाने जाती है, यही सरकार कहती है कि यह रेवड़ी बांटने वाला कार्य है। तो यह कोई रेवड़ी बांटने वाला कार्य नहीं है। ये जो सरकार जो फ्री में दे रही है वो किनको दे रही है, क्या दे रही है, उनके सरकार के लोगों को नहीं पता है। लेकिन जिस रूप से ये कार्य हो रहा है, यहाँ पर जो धान्य बांटने का, वाटर करने का, वो सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। सही लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसी कालाबाजारी हो रही है। इस पर अंकुश लगाने का कार्य होना चाहिए। और जो महंगाई देश में बढ़ी है, जो गैस सिलेंडर से लेकर के जो जनता के जो जुड़े हुए प्रश्नों से जो महंगाई बढ़ी है, जिसको झूठा बोल करके जो सरकार आई है, और गांव खेड़े से लेकर के शहरों तक ये महंगाई के कारण लोग दोबारा सिलेंडर तक नहीं खरीद पाए हैं, ऐसे अनेक मुद्दे यहाँ जो शहरों में हो रहे हैं, गांव में हो रहे हैं, उसके विरोध में हमारा ये आंदोलन है कांग्रेस विचारधारा समिति की ओर से। अंग्रेजों के कुशासन से आज़ादी दिलाने के लिए 9 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो की नींव रखी थी, जिससे सारा भारत एकजुट हो गया था और अंग्रेजों को 15 अगस्त 1947 को घुटने टेकने पड़े थे। कांग्रेस और राहुल गांधी ने भी 5 अगस्त को महंगाई, बेरोजगारी और खाने की चीजों पर से GST हटाने की मांग को लेकर सड़कों पर मोदी सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया था। उसका परिणाम निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की सत्ता के ताबूत की आखिरी किल साबित होगी। वैसे भी अगस्त का महीना कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पूरे देश के लिए ऐतिहासिक महीना है, जो अंग्रेजों के पतन का गवाह है। आज का जो कार्यक्रम है, जो हमारा कांग्रेस की तरफ से है, जन जागृत अभियान की तरफ से है, कि लोग इतने त्रस्त हैं, लोगों के लोग जो ये सरकार है अंदर तक जाके ये नहीं देखती है कि छोटे छोटे गरीब मजदूर लोग इस महंगाई में अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं। हम इस मुद्दे पे आए हैं कि इतने साल हो गए बीजेपी की सरकार है, बोल रहे थे कि हम बेरोजगारी देंगे, रोजगार देंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, हर अकाउंट में 15 लाख रुपए देंगे, इन सब चीजों से झूठी सरकार है। झूठी सरकार को हमको भगाना है। बेरोजगारी पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर जो ये जीती थी बीजेपी कांग्रेस, इनको हटाना है, क्योंकि झूठी सरकार है। झूठी सरकार से हमको इन लोगों को अवगत कराना है, ताकि वो अपनी जिंदगी, आने वाली जिंदगी को सेव कर सके। अगर इनके साथ रहेंगे तो सारा देश बेच के खा जाएंगे और लोगों को भी बेच के खा जाएंगे, और लोग गरीबी रास्ते में रोड में भीख मांगने लगेगा कटोरा लेकर। इसलिए हम लोग जन जागृत अभियान कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, कि लोगों को जो मुसीबतें हो रही है उनके लिए हम उनके तरफ से ये आंदोलन कर रहे हैं। मोदी सरकार की तानाशाही के विरोध में कांग्रेस विचार जनजागृति अभियान की ओर से भारतीय तौलिक शाहू राठौर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश शाहू की अध्यक्षता में वैरायटी चौक गांधी जी के पुतले के पास धरना प्रदर्शन कर मोदी सरकार चले जाओ के नारे लगाए। इस अवसर पर पूर्व पार्षद तनवीर अहमद, एडवोकेट शीरेश तिवारी, गिरिजा शंकर अग्रवाल, राजकुमार मोटघरे, रवि पराते व अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। क्या है कि मोदी सरकार जो काम कर रही है वो शुरुआत के दिनों से ही जनता के विरोधी काम कर रही है। उन्होंने आज ही 2 रुपए पर लीटर दूध का भाव बढ़ाया है, इंटरेस्ट बैंक के रेट कम कर दिए, इंटरेस्ट रेट और कर्जे का रेट बढ़ा दिया है, जीना मुश्किल कर दिया है। सिलेंडर देखो 1150 के ऊपर मिल रहा है, बच्चों की फीस बढ़ा दी है। इसका विरोध करना बहुत जरूरी है, और कोई विरोध करता है तो उसके पीछे ईडी लगा देते हैं। ईडी का मतलब क्या है? एंड ऑफ डेमोक्रेसी कर रहे हैं।
इसके लिए हम इसका निषेध कर रहे हैं और लोगों को, जनता को राहत मिलना चाहिए, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। जनता का कहीं भी रिस्पाइट नहीं है, कोई भी राहत नहीं है, हर चीज में बढ़ाया जा रहा है। और क्या तो उद्योगपति का कर्जा माफ करने के लिए 12 लाख करोड़ रुपए उद्योगपति का माफ कर दिया है और गरीब लोगों को कोई भी राहत नहीं है। उससे तो आधे से आधे कीमत में राशन मिल सकता लोगों को, कितने लोगों को कितने साल। मोदी सरकार के खिलाफ किए गए इस आंदोलन से मोदी सरकार पर क्या फर्क पड़ता है, ये तो आने वाला दिन ही बताएगा। लेकिन महंगाई के मार से नागरिकों पर भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है, यह एक सच्चाई है। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मिरे, BCN न्यूज़।